राजधानी पटना के परसा बाजार थाना अंतर्गत परसा संपतचक रोड में झाईचक मोड़ के पास दिन दहाड़े बेखौफ अपराधियों ने हथियार के बल पर एक बाइक सवार युवक को फिल्मी स्टाइल में ओवरटेक कर रोका और उसके पास से सोने की चेन और पर्स में रखे 1200 रुपये लूट कर फायरिंग करते हुए फरार हो गए। एक बाइक सवार 3 की संख्या में रहे हथियारबंद अपराधियों द्वारा सरेआम बीच सड़क पर लूटपाट की वारदात को वहां से गुजर रहे कई बाइक सवारों ने देखा, लेकिन हथियारबंद अपराधियों को देख किसी की हिम्मत हस्तक्षेप करने की नहीं हुई। वहीं घटनास्थल के पास एक मार्केट में लगे सीसीटीवी कैमरे में यह लूटपाट की पूरी घटना कैद हो गई। घटना के बाद पीड़ित महुरी निवासी युवक अमित कुमार परसा बाजार थाना पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज के साथ अज्ञात हथियारबंद अपराधियों के खिलाफ लूटपाट का मामला दर्ज कराया है। जानकारी के मुताबिक परसा बाजार के महुरी निवासी अमित कुमार अपनी बाइक से शनिवार की दोपहर किसी कार्यवश राजेंद्र नगर जा रहा था। इसी दौरान जायचक मोड़ के पास एक बाइक सवार 3 की संख्या में रहे अपराधियों ने उसकी बाइक को ओवरटेक कर रोका। उसके बाद अपराधियों ने पिस्तौल के बल पर उसके पास पर्स में रखे 1200 रुपये और सोने की अंगूठी लूट कर फरार हो गए। इस दौरान अपराधियों ने हवाई फायरिंग भी की। हालांकि पुलिस फायरिंग की वारदात से इनकार कर रही है। परसा बाजार थाना अध्यक्ष मासूक अली ने बताया कि मामले की तहकीकात की जा रही है। पुलिस टीम सीसीटीवी फुटेज देख अपराधियों का पता लगाने में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट।